City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी लाइव न्यूज और मैं हूं दीपक गोस्वामी। हमारा कार्यक्रम है आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हाथ में माया। हाथ में माया हो ना हो, लेकिन पहला जो सुख है निरोगी काया यानी कि स्वस्थ, ये सबसे पहले हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए। अभी वर्तमान में लगातार COVID-19 से आप हम पूरी दुनिया जो है संघर्ष कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को लेके सभी लोग चिंता में हैं, लेकिन हमको इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आत्मविश्वास से, अपने अंदर की एनर्जी से, अपने अंदर की शक्ति से बड़ी बीमारी को हमसे, समाज से, देश और दुनिया से दूर भगा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली से दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आप हैं डॉक्टर आईएस बंसल साहब, जो कि सहज योग के एक्सपर्ट हैं, और साथ में है डॉक्टर जीवन सैनी साहब। दोनों का आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले डॉक्टर आईएस बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सहज योग आखिर है क्या, क्योंकि नाम बड़ा सहज है, तो इसमें किस तरह से योग किया जाता है, क्या है सहज योग? मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आज जो आपने हमारे माननीय दीपक गोस्वामी जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, मैं बहुत खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में दुनिया में इनकी आवाज सभी सुनेंगे। और ये ऐसा सम्मेलन शुरू किया है आपने जिससे पूरे दुनिया का जन जन इंसान को इसका फायदा होगा। तो मैं सहयोग के बारे में बताना चाहता हूँ कि सहयोग क्या है। सहयोग बहुत आसान पद्धति है जिसे बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक इसको कर सकता है। और ये 10 मिनट की क्रिया होती है जिसमें हम पांचों तत्वों को अपने शरीर से यूटिलाइज करते हैं, शरीर से जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी है जिस समय वो हमारे शरीर से चलती है और लिम्बिक एरिया को क्रॉस करती है तो उसमें दवाई की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती शरीर को। ऑटोमेटिकली पांचों तत्व एक मेडिसिन का काम करते हैं और उस मेडिसिन से ये फायदा होता है पांचों तत्वों से कि कभी हमें जीवन में दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और किसी भी तरह का भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हम बिना मेडिसिन के और बिना पैसे के घर पर बैठ करके परिवार के साथ खुद हम ठीक कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सहजोग एक बहुत आसान क्रिया है जिसको बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक आराम से बैठ के चारपाई पे, कुर्सी पे, धरती पर बैठ के और 10 मिनट की क्रिया करेगा, उसी से उनको घर पर लाभ होगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारे शरीर की जी, हमारा जो शरीर है इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर इतनी मेडिसिन है कि लोगों को मालूम नहीं है। जो पहले ऋषि मुनि थे वो सब जानते थे कि हमारे शरीर में क्या चीज है और क्या नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्रों पे 7 जिनको हम देवता बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जैसे गणेश जी हैं, शिव जी हैं, श्री राम हैं, तो उनकी भी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे शरीर में जो भगवान का रूप लेके 7 चक्रों पे वास करते हैं वो हमारे शरीर में जब हम गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनसे हमको हमारे हाथों पे इंडिकेशन आ जाता है कि हम गलत हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो तुरंत मालूम पड़ता है कि हमने झूठ बोला है और झूठ बोलने से क्या बीमारी होगी वो भी इसमें मालूम पड़ जाती है, क्योंकि हमारे जो शरीर का स्वास्थ्य है वो हमारे इन हाथ की जो फिंगर देख रहे हैं इन पर इंडिकेशन आता है। जैसे थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो उससे बताते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के एक एक फिंगर हमारे बारे में 1 महीने में बताएगी कि हमको कौन सी प्रॉब्लम है, बीपी हाई है तो उसे कैसे ठीक करें, बीपी लो है तो कैसे ठीक करेंगे। तो ये हमारे शरीर में सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना हम दवाई की जरूरत पड़ती है। तो ये सहज योग जो है ये आज के युग में सबसे बड़ी पद्धति है और आज इसको जन जन की सख्त जरूरत है। और अगर ये जन जन तक पहुंच जाता है तो भविष्य में आने वाली प्रकृति की आपदाएं, अनक्यूरेबल डिजीज, जो असाध्य रोग होते हैं, उनको हम घर बैठ करके
बिना दवाई बिना पैसे के परिवार के साथ बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल आईएस बंसल साहब, मैं आपके पास दोबारा इसी पर चर्चा करने के लिए आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर जीवन सैनी साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह कोविड-19 का जो कहर है, जो संक्रमण है, वो लगातार फैलता जा रहा है, इसको अभी वर्तमान जिससे क्या होता है कि हम घर बैठे हैं, लगातार लॉकडाउन में घर बैठे हैं, और घर बैठे बैठे मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर बैठे मानसिक रूप से अभी वर्तमान में परेशानी उठा रहे हैं या मानसिक रूप से परेशान है? डॉक्टर सैनी साहब। हाँ नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जीवन सैनी दिल्ली से, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो आज के समय में बेसिकली जो हमारा कोविड-19 की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें हम तो सभी को योगा मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि जो सहज योग है ये तो एक अलग ही पद्धति है जो डासा बता रहे हैं जिसके बारे में, पर इसमें जो हमारा जो आयुष मंत्रालय की जो डायरेक्शंस आई हैं, आयुष मंत्रालय ने यही बताया इसमें कि हम, उसने आयुर्वेद के ऊपर जो आयुष में तीनों पद्धति आती हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, तो उन्होंने यही इस पे जोर दिया है कि हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ही ये चीजें चल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में जब बच्चे को जुकाम खांसी हो जाता था तो हमारी जो दादी या जो हमारे बाबा जो भी थे वो घर में ही शहद को और उसमें अदरक डाल के, तुलसी के पत्ते डाल के और उसको चिटा देते थे, उससे ही आराम आ जाता था। तो इन चीजों पे आज हमारे आयुष मंत्रालय पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, योगा के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि घर में आप आसन प्राणायाम वगैरह कीजिए ताकि स्ट्रेस आपका रिलीज हो सके, क्योंकि पार्क में जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, कहीं नहीं जा सकते, आइसोलेशन, और आप 24 घंटे घर में बैठे बैठे एक अगर कोरोना के बारे में देखें तो आप वैसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसके लिए एडवाइस करते हैं आप सहज योग जैसी पद्धति, अच्छी पद्धति डासा बता रहे हैं कि बिना दवाई के ठीक हो, ऐसी चीजें घर में बैठ के सीखिए। तो हमारा तो इस समय जोर ज्यादातर मेडिसिन पे, योगा पे ज्यादा है, जिससे आदमी अपने आप को माइंड में रिलैक्स रख सके घर में बैठ के, तो इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है आयुष मंत्रालय की तरफ से। निश्चित रूप से हमारे जो आयुर्वेद के जो औषधि है, हमारी जो दूसरी भारतीय परंपराओं की जो पुरानी परंपराएं हैं, उन पर हमको वापस आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस तरह के जो संक्रमण है, इस तरह के जो रोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा पाएंगे, उनसे कहीं ना कहीं हम दूर जाएंगे। यहाँ पर आईएस बंसल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे सहज योग के बारे में बताया कि बहुत सहज है वो, तो कुछ आप क्या उदाहरण देकर ऐसे बता सकते हैं कि घर बैठे आदमी को क्या करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़े और वो सहजता से वो योग कर सके? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये जो एनर्जी है, सबसे पहली बड़ी बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद भी अब से 25-30 साल पहले खुद पेशेंट था और बहुत हाई पेशेंट था जी। तो उस समय मैं ये सोचता था कि आज दुनिया में सब कुछ है मेरे पास, जो भी इसे स्वास्थ्य का सुख चल गया। तो उस समय मैं ढूंढता था, तलाश करता था कि कोई इंसान ऐसा मिले, क्योंकि डॉक्टरेट में मेडिकल में मेरा इलाज हो नहीं पाया था, एम्स में भी मैं जाता था, वहां पर भी डॉक्टर यही कहते थे कि जिंदगी में दवाई लीजिए और जिंदगी काटिए, ये सांस की बीमारी है, ये जिंदगी में ठीक नहीं होने वाली है। तब मेरे को एक इत्तफाक कोई इंसान मिला, आप जैसे सज्जन, उन्होंने मुझे बताया कि आप सहयोग करके देखिए, अगर आपको फायदा हो तो करना, इसमें पैसा तो लगेगा नहीं। तो तब मैंने वहां गया, उस पर सेंटर जाकर के, और वहां पर देखा तो वहां पे जो सब लोग साधारण बैठे थे, कोई ऐसा स्पेशल नहीं था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो अभी मैं पत्ती बता रहा हूँ इसको खुद इंसान, आप ही जो भी दर्शक देख रहे हैं वो खुद इसी टाइम करके देखेंगे तो उनको इस पर प्रैक्टिकल होगा। ये अंधविश्वास नहीं है जी। ये साइंटिफिक प्रूफ है, क्योंकि साइंस को जब प्रूफ मिल जाता है तभी उसको यस करती है। तो इसमें क्या है कि हम अपने शरीर को साधारण स्थिति में बैठ जाते हैं। अब मैं जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ कि हमारे अंदर इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कैसे बनती है। तो जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है वो एक त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, इसके लास्ट में है, और वो हमारी हर परिस्थिति में, हर तरह की परेशानी में मदद करती है। वो एक तरह से डिवाइन पावर है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें केवल प्रेयर करना है, ज्यादा नहीं है, कि जैसे आप दोनों हाथ इस तरह से खोल लीजिए और जो साधारण लोग देख रहे हैं वो भी खोल लें,
और इसमें आपके हाथों पे फीलिंग होगी। पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हंसिए, लेकिन उसमें प्रूफ नहीं है। अभी हम आपके सामने प्रूफ करने जा रहे हैं, पांचों तत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाया हाथ सामने रख के दायां धरती की तरफ कर रहे हैं सीधा हाथ, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, जो अनक्योरेबल डिजीज होते हैं या असाध्य रोग जो होते हैं, वो हमारे लेफ्ट साइड से आते हैं। तो दाएं तरफ से हमने धरती की तरफ दाया हाथ धरती पे रख लिया है और बाया हाथ सामने करके आकाश है तो आकाश के सामने कर लेते हैं। और ये पद्धति श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू की थी, जो आज इस संसार में अवतार के रूप में है, और उन्होंने ये कार्य सिखाया। और इन्होंने कहा इस पर पैसा नहीं लेना, सबको निशुल्क देना है ये पद्धति, और इसी से हमारा जीवन भविष्य उज्जवल होगा और घर बैठ करके होगा। तो यहाँ पर एक प्रेयर करते हैं केवल दो मिनट की, एक मिनट की। हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, वाहेगुरु अल्लाह ताला, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, डिप्रेशन है, असाध्य रोग है, कैसा ही भी वायरस है, इन सबको अपने में ले लीजिए। इस सेंटेंस को आप 2 बार कहें, 10 बार कहें, लेकिन ये दिल से बोलना है। जैसे हम दिल से बोलते हैं तो तुरंत अपने आप बाएं हाथ में पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है, या तो ठंडा आएगा या गर्म आएगा, ये पहचान है। या तो हॉट होगी, हॉट है तो निगेटिविटी ज्यादा है हमारी बॉडी में, और अगर कूल आ रहा है तो समझिए कि जो भी प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, कैसा भी वायरस है, वो कम होने जा रहा है ठंडे से, ये पहचान है। इसके इसके दो ही लक्षण होते हैं, ठंडा या गर्म। तो जब इसमें ठंडा आ जाए तो फिर हम दाएं हाथ को सामने करके और फिर बाएं को आकाश की तरफ करेंगे, और इस समय हम आकाश तत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का तत्व हमारे शरीर में है और अग्नि भी हमारे शरीर में है। जब ये एनर्जी ऊपर आती है तो नाभि से ऊपर जब चलती है तो ये गंध निगेटिविटी को जला देती है, समाप्त करती है, ये अग्नि का काम करती है। और जब बाहर निकल जाती है तो पूरे संसार को फायदा करती है। तो यहाँ पे हम फिर 2 मिनट के लिए फिर से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, अल्लाह ताला, जो भी आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष है, गुस्सा है, बीपी हाई है, बाहर की सोच है, नींद का नहीं आना, इन सभी विकारों को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए, पाक कर दीजिए। ये केवल दिल से बोलना है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी। हृदय से बोलते ही, और जो अभी दर्शक कर रहे हैं मेरे साथ साथ, वो खुद देखेंगे कि उनके हाथ पर हल्का हल्का ठंडा आएगा या गर्म आएगा। अगर ठंडा आ रहा है तो ये नाड़ी हमारी स्वच्छ है, शुद्ध है, पाक है। अगर गर्म आ रहा है तो ये नाड़ी हमारी शुद्ध नहीं है, इसको अब हमें शुद्ध करना है। गर्म जब निकल जाएगा, हमारा गर्म बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद ये ठंडा आएगा। ठंडा तो ये पॉजिटिविटी है, तो इसी से हम अपने दाएं तरफ की परेशानी को, बीमारी को, स्वास्थ्य को, बीपी हाई को, नींद का जो नींद नहीं आती, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ठंडा आने का मतलब है पॉजिटिविटी शुरू हो गई, सकारात्मक हो जाए। फिर हम दोनों हाथ को बराबर लेंगे यहाँ पे, और ये 2 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट दिल से मांगेंगे कि परमात्मा हमें संतुलन दीजिए पांचों तत्वों से, पांचों तत्वों से हमारी मदद कीजिए, और पांचों तत्वों से हमारे परिवार को, देश को और संसार को संतुलन दीजिए, पूरी मानव जाति को संतुलन दीजिए। तो जैसे ही वो मांगेंगे तो दोनों हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आना शुरू हो जाएगा। जब ठंडा आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको चेक करते हैं कि वास्तव में ये झूठ है या सच है। तो ये तालू से भी आता है, जो बच्चे का नरम भाग ऐसे चलता लगता ऐसे, तो ये तालू से भी आता है। यहाँ हाथ रखते दाएं हाथ को, और यहाँ पे देखेंगे कि सर पे कहाँ से ये ठंडा निकल रहा है। जहां से ठंडा आए वहीं 2 मिनट रोक लीजिए और फिर दिल से कह दीजिए कि परमात्मा, ओ गॉड, अल्लाह ताला, पूर्ण आशीर्वादित कीजिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे देश को और संसार को। तो जैसे ही वो प्रार्थना एकाग्र करेगा ये पढ़ना शुरू हो जाएगा। तालु से ठंडा आना बहुत बड़ी बात है,
जब ये आता है तो उसके ऊपर जीवन में एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब तक ये नहीं आता है तब तक हमको दवाई लेनी पड़ती है। ये करके फिर बाएं हाथ से देख रहे हैं, ये दोनों हाथ से महसूस होगा, दोनों हाथ से अगर ठंड आ रहा है, सबसे ठंड आ रहा है, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल एक हफ्ते में 15 दिन के अंदर ही ठीक होगा, और जो वायरस की प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस, इसमें एकदम बदलाव आएगा और ये आपको लग नहीं सकता। अगर लग भी गया है तो परिवार के लोग भी इसको ठीक कर सकते हैं जिसके हाथों पर ये ठंडा आ रहा है। तो इस क्रिया को आप घर पर अपने ही घर पर बैठ के 10 मिनट या 5 मिनट करेंगे तो उसी से घर पे परिवार को सदस्यों को लाभ होगा, और कोई भी इनक्योरेबल डिजीज है जो संसार में ठीक नहीं होता उसको आप ठीक कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो वो हमसे बात करें फिर हम उसको ठीक करेंगे। City Live, a platform to sharing your thoughts. आपने जो बिल्कुल आप जो ये जानकारी दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उनको इस सहज योग का फायदा मिलेगा, और अगर जो लोग इसे पूरी तरह से न समझ सकें वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर आईएस बंसल साहब से संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से सहज योग से बिना दवा के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी और कारण के आप अपने रोगों को है वो शरीर से दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जो है जी सकते हैं। यहाँ पर हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर जीवन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की बीमारियां जिनका आपने हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, इस तरह के जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहे हैं, इनके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि किन कारणों से इस तरह के संक्रमण जो है लगातार फैल रहे हैं? आयुर्वेद के हिसाब से तो आयुर्वेद में तो वैसे इन चीजों के बारे में पहले से वर्णन है, चरक है, सूत्र है, इनमें लिखा हुआ है, पहले भी ऐसे महामारी आती रही है, क्योंकि जब भी लोग प्रकृति के विपरीत जाते हैं, विपरीत प्रकृति के अनुकूल नहीं जीते तो उस समय प्राकृतिक आपते आती है, इस तरह की बीमारी आती है। क्योंकि आज के समय आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, कितने लोग उठते हैं 4 बजे? आप 4 बजे देख लेना, मेरा कहना 75% लोग भी नहीं उठते, 50% भी नहीं लिखते, क्योंकि ये सारी तो इस वजह से, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जब सुबह उठते हैं, जब हम अपने जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय जब सूर्य उगे उदय होता है, जब वो आपके घर पे आता है वो आपको एनर्जी दे के जाता है, पर जब आप सोए होंगे तो एनर्जी कैसे लेंगे आप उससे? तो इसलिए वो फिर नाराज होकर चला जाता है, हम सोते रह जाते हैं। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमको सूर्य उदय होने से पहले जागना चाहिए। तो इसलिए अगर जब हम इनके प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे तो ऐसी आपदें आएंगी, ऐसी बीमारियां आएंगी, और इनसे हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद में इसके बारे में स्पष्ट वर्णन है कि आप प्रकृति के अनुसार चलिए तो आपको कोई आपदा नहीं आएगी और आपको कोई ऐसी लालाज बीमारियां नहीं लगेंगे। अगर लग ही जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, उससे आप ठीक हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपको, हमको और हमारे सारे समाज के जो लोग हैं, देश और दुनिया के जो लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमको प्रकृति से युद्ध नहीं लड़ना है, हमको प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियम के साथ साथ चलना है। अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ चलेंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी या आपदा से हम बचेंगे, और अगर हमने जिस दिन प्रकृति से लड़ना शुरू कर दिया, प्रकृति हमको नई नई तरह की बीमारियां जो है वो देती रहेगी। यहाँ पर मैं आईएस बंसल साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से आपदाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, उतने ही अलग अलग तरह के योग गुरु, अलग अलग तरह के गुरु वो तैयार होके एक व्यावसायिक तौर पर, व्यवसाय के रूप में सामने आ रहे हैं, और बहुत से हालांकि जो गुरु हैं वो तो सलाखों के पीछे भी हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि गुरु किस तरह का होना चाहिए, गुरु के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम किसको गुरु माने, क्योंकि हर जगह देखो तो एक गुरु पैदा हो जाता है। दीपक गोस्वामी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मेरे दिल की जो बात थी वो आपने बोल दी। मेरी इच्छा थी मैं बोलूं, लेकिन आपने मेरे से पहले ही मेरे से बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, जो सदगुरु होता है, सदगुरु और गुरु और ए गुरु, इनमें फर्क होता है। 5 तरह के गुरु होते हैं, एक बात को पढ़ी और लोगों को बता दी, साधारण होता है, वो अपना वेशभूषा बदलता है और वह दुनिया को कहता मैं गुरु हूं, वो भी गुरु नहीं है। एक होता है को गुरु, जो ताबीज गंडा देता है और अकेले में मिलता है, और वो नाजायज भी करता है हमारी मां बहनों के साथ,
भी गलत करता है तो वो होता है कुगुरु, जो ताबीज दे करके बीमारी देता है और उससे बच्चे भी बीमार होते, परिवार में कलेश होता है। एक होता है ए गुरु जो होता है वो गुरु नहीं होता है, वो बना हुआ होता है। वो कहता है यहाँ झाड़ू लगाओ, इतने दिन लगाओ तब मैं मंत्र बताऊंगा। तो ये इन सब में सदगुरु जो होता है, सदगुरु की पहचान ये है, कभी दादी ने भी आप सुना होगा कि सार सार को वही करे धोता दही उड़ाए। जो छाज होता है जब उसमें फटका लगाते हैं तो जो खराब दाना होता है वो बाहर निकल जाता हवा से और जो अच्छा होता है वो रुक जाता है। ऐसे ही जो सदगुरु होता है वो निःशुल्क कार्य करता है और केवल आत्म साक्षात्कार देता है। वो कोई पैसा नहीं लेता, कोई दवाई नहीं लेता, दवाई नहीं देता है और निःशुल्क कार्य करता है और किसी से किसी भी चीज की डिमांड नहीं करता कि मुझे इतने पैसे दो, मेरे आश्रम में आओ तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आज गुरु की पत्ति है, और मैं तो प्रधानमंत्री जी से आपसे भी विनती करता हूँ कि आज अजमायश का समय आ गया है, सभी जितने भी गुरु सबको एक एक राज दे दिया जाए और उसमें एक राज हमें दे दिया जाए। हम 15 मिनट टीवी से सब लोगों को इस प्रति के जो प्रणाली है इसको सहयोग को कराएंगे और वो अपनी विद्या से कराएं, जिसके स्टेट में आज वायरस कम हो जाए समझिए वो सदगुरु है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और जिसके कराने से स्टेट में कोरोना वायरस नहीं बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो ये तो आज मौका है और परमात्मा ने ये जो वायरस भेजा है ये सबकी परीक्षा के लिए भेजा है। ये ईश्वरी देन है, ये किसी एक के इंसान के हाथ की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने जो किया है। आज जो इतने गुरु थे, हमारे मंत्रालय से भी पैसा ले रहे थे, एनजीओ बढ़ा के पैसा इकट्ठा कर रहे थे, मंदिर मस्जिद चल रहे थे, आज सब बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? कि परमात्मा आपके अंदर है, ईश्वर जो है आत्मा के रूप में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा परसों कि अब आपको आत्मबल पे आना पड़ेगा, तो आत्मबल की जगह वो आत अनुभूति कर दें कि आत अनुभूति ले ले तो आप इससे बच सकते हैं और दुनिया का भी भला कर सकते हैं, दूसरों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार ये हमारे हर ग्रंथ में लिखा है, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबिल है, चाहे हमारी भागवत गीता है, हर में लिखा है। लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं और उन्हें कहते हैं भगवान आएंगे तब ये कार्य होगा, भगवान तो आ चुके। और साधारण कपड़ों में सदगुरु हर गृहस्थ जीवन में आपको मिलेंगे, उसमें बच्चा भी है, एक माँ बहन भी है और एक पुरुष भी है। जिसके पास में ये प्रैक्टिकल है वो भविष्य में सदगुरु होगा साधारण कपड़ों में, और जिसके पास ये पावर नहीं है वो सदगुरु नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। तो जो सदगुरु है वो कभी सलाखों के नीचे नहीं जाएंगे। मैं तो जेल में 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, सभी गुरुओं जितने जाते हैं अंदर जाते हैं सबकी क्लास लगानी पड़ती है। मैं उनसे पूछता क्यों आ गए आप यहाँ, आप तो इतने महान थे। कहने लगे बस ये भगवान की देन है। भाई भगवान की क्या देन है, हमारे कर्मों की देन है। अगर हम सत्कर्म करते, हम माँ बहन को इज्जत देते, उनको हम एक सुरक्षित रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते और अच्छा समाज को धर्म के प्राण बताते तो हम क्यों जाते वहां। लेकिन हमने सबने पैसा इकट्ठा किया, नाजायज कर्म किए, माँ बहनों के साथ नाजायज रेप किया और जब उजागर हो गया तो सबको जाना पड़ा। आज भविष्य में ये श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार आया है, इन्होंने पहले बता दिया था 35 साल पहले कि ऐसी आपदा आएंगी और उनमें आप सुरक्षित रहेंगे। इनको आत्म साक्षात्कार है और जो उसमें रम कर रहे हैं अंदर हर समय उसको महसूस करते हैं, वो लोग सुरक्षित होंगे दुनिया में, चाहे वो कहीं भी हो। आज हमारे सहयोगी पूरे संसार बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये सदगुरु की पहचान है। बिल्कुल आईएस बंसल साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपका कथन सही है कि बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सही है। हमको ये देखना होगा कि हर व्यक्ति जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु बन जाता है, थोड़ी सी चार किताबें पढ़ लेता है, चार श्लोक याद कर लेता है और वो गुरु बन जाता है, तो आपको उन सबसे बचकर रहना है जो लालची किस्म के लोग हों, जो आपसे रुपए की पैसे की डिमांड करते हों, उन सभी लोगों से बच के रहना है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो निस्वार्थ सेवा भाव से आपके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हों। मैं यहाँ पर डॉक्टर जीवन साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप देश के जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा अभी वर्तमान में जैसे हम आप और सभी घर पर बैठे हुए हैं और घर बैठने पर हमको खांसी जुखाम या सर दर्द हो जाता है या फीवर आ जाता है, तो उसके लिए घर बैठे हम क्या ऐसे उपाय करें, आयुर्वेद के ऐसे क्या उपाय करें
जिससे कि हम घर बैठे स्वस्थ स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। इसके लिए हमने काफी लोगों को बताया इसके बारे में कि आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घर में ही मिल जाती हैं। जैसे किसी को जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आजकल हमारी प्रकृति ने बहुत सारा गिलोय दिया हुआ है, हर जगह मिल जाएगा गिलोय, और ये अपना भी हो जाता है। तो ये जो गिलोय है, और तुलसी भी मिल जाएगी, गिलोय, तुलसी, अदरक हर घर में मिल जाएगा, त्रिकटू चूर्ण जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपली, ये हमारे सबके घर में मिलेंगे। तो अगर उसमें थोड़ी सी किसी को गैस बनती हो, अजवाइन डाल लें, इन सब का काढ़ा बना के पिए, इस काढ़े से क्या होगा, उसका बुखार भी ठीक होएगा और उसका जो जुकाम है वो भी ठीक होएगा, और साथ में उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे बहुत सारे जो आयुष मंत्रालय की तरफ से डायरेक्शन आई है, हम सबको ऐसे बता रहे हैं और उनको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। और इसमें इस समय जो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं हम आंवले पे, क्योंकि आंवला एक तो सस्ता है, अगर जो आंवला है आप बाजार से लेके आए, या अगर आप जो आंवले है दो आंवले हर रोज खाएं, कैसे खाएं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे आंवला अगर ऐसे खाएंगे तो खट्टा बहुत ज्यादा होता है, उससे दांत खट्टे हो जाते हैं। तो उसका अच्छा तरीका यह है कि जब आप सब्जी बनाते हैं, या तो दो आंवले उसमें डाल दीजिए, तो जब दो आंवले आप उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जब सब्जी बन जाएगी बाहर निकाल लें और नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, उनको हाथ से अच्छी तरह से मैश करके और उसमें दो चम्मच शहद मिला लीजिए जी, क्योंकि जो शहद है ये हमारे कफ को निकालता है, और जो आंवला इसमें विटामिन सी है, और आंवला एक ऐसा है उबालने के बाद भी उसका विटामिन सी खत्म नहीं होता, तो इसलिए जब आप डेली दो आंवले खाएंगे तो उससे क्या है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अगर आप आंवला नहीं खाना चाहते तो च्यवनप्राश ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आंवला होता है और वो काफी जड़ी बूटियां आती हैं। तो हम ऐसी चीजें लोगों को एडवाइस कर रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, और जब इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो नेचुरली वो बीमारी से फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। निश्चित तौर पर हमारी जो किचन है, हमारा जो रसोई घर है, वही सबसे बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकता है और वही आपके स्वास्थ्य लाभ का कारण भी हो सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप उस रसोई घर में रखे मसालों, उन सब्जियों, उन फ्रूट्स को किस तरह से उपयोग में लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि सबसे सीधा सरल उपाय है कि आंवले का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो वर्तमान में सबसे अधिक चाहिए होती है, वो आपको मिलेगी और आप किसी भी तरह के संक्रमण से बचेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की पाबंदी भी है, तो मैं आईएस बंसल साहब आपसे चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि इस समय जो सिटी लाइफ के माध्यम से आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही सभी से प्रार्थना है कि जो लोग सुबह उठते हैं, उठते ही वो अपनी चारपाई पे बैठ के दो मिनट के लिए एक प्रेयर करें, इबादत करें कि परमात्मा, अगर आप इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और इस प्रलय काल में आपकी शक्ति चारों तरफ है, प्रकृति में है, तो हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम हर परेशानी से अपने को ठीक रख सके, अपने घर बैठ कर के, हमको बाहर कहीं हॉस्पिटल, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत ना पड़े, हमारा घर ही, हमारा शरीर ही मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा बन जाए, जिससे हमारा परिवार, हमारा देश और संसार सुख में हो जाए। जैसे ही वो दो मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप देखिए उनको खुद महसूस होगी कि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर अपने आप महसूस होगी, हाथों पे और सर पे, और जहां भी वो जाएंगे दिनचर्या में वहीं पर उनका कार्य अच्छा होगा और जो कार्य बिगड़ने वाला है वो भी बिगड़ नहीं पाएगा, अच्छी तरह से समुद्र। तो मेरी यही संदेश है पूरे संसार को कि अब समय आ गया है अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने घर पर ही दो चार पांच मिनट का प्रेयर करें सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त। जैसे ही ये महसूस होगी तो ये वायरस जो भी है, जो भी परेशानी है, वो सब समाप्त हो जाएगी और हमारा देश उन्नति की तरफ होगा और संसार में हमारा देश एक ताज के रूप में माना जाएगा, दुनिया को नमस्कार करेगी हमारे देश को, ऐसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बंसल साहब, आपका कहना सही है। यहाँ डॉक्टर जीवन सैनी जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? आप तो यही कहना चाहेंगे कि आप जो डॉक्टर बंसल जी ने जो सहज योग के बारे में बताया, क्योंकि एक ऐसी पद्धति बताई डॉक्टर साहब ने कि जिसमें बिना दवाई के ही इलाज हो रहा आदमी का, तो उसमें मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप इस पद्धति को जरूर अपनाएं आयुर्वेद के साथ साथ, क्योंकि आयुर्वेद हमारे स्वस्थ रखेगा और डॉक्टर साहब का जो सहज योग है ये हमारी आत्मा को जगाएगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो आत्मा जाग जाएगी, जब आत्मा जाग जाएगी तो बीमारी लगेगी नहीं। तो इसलिए मैं ये सबको सलाह दूंगा कि
आयुर्वेद आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, अरदास साहब की आपकी आत्मा को जगा के शरीर को स्वस्थ रखेगा। तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि अरदास साहब ने बताया जो चाहे जो ये जरूर करे, और इसमें करना कुछ नहीं है, घर में सब खाली बैठे हैं, लॉकडाउन है, इससे टेंशन डिप्रेशन सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर लोग हम तो एडवाइस करेंगे मेडिसिन की या योगा की, अरे डासा की पद्धति तो ऐसी है इसको कोई भी बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, जो भी मैंने सुना डासा से। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा सहयोग जरूर करें जो डासा मैंने एडवाइस की। निश्चित तौर पर आपको हमको सभी को ये समझना जरूरी है कि हमारे देश की जो परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसके साथ हमको कदम से कदम मिला के चलना है। और अगर आप लगातार सहयोग करते हैं, हमारे भारतीय परंपराओं के दूसरे जो योग हैं वो करते हैं, और सहज योग में किसी तरह का कोई खर्चा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं लगना, कोई दवा भी नहीं लेनी, तो इस तरह सहज योग जो है आप लगातार घर में करते रहें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समझने में परेशानी हो, तो वो IS बंसल साहब से या सिटी लाइव के माध्यम से IS बंसल साहब का नंबर ले सकते हैं। और साथ ही हमारे आयुर्वेद की जो परंपरा है, जो वर्षों हजारों हजारों साल पुरानी परंपरा है, उसको भी लगातार निभाते रहेंगे, उसको जीवन में उतारते रहेंगे, तभी आपका और हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ होगा और सुखद होगा। डॉक्टर IS बंसल साहब आपका और डॉक्टर जीवन सैनी साहब आप दोनों दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।